हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TSMG लर्निंग पॉइंट। सो ऑलरेडी हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया है, उसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने वाले हैं जो कि ग्राफ बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। सो हमें टेबल दिया है, इक्वेशन दिया है, इक्वेशन के बेसिस पे हमने एक टेबल दिया है। टेबल को हमें फिलअप करना है और उस टेबल में एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट का यूज करके हमें उसका एक ग्राफ बनाना है। ओके, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 3। सो हमें एक टेबल दिया जिसमें कहीं पे एक्स का वैल्यू दिया है, कहीं पे वाई का वैल्यू दिया है। ओके, सो हमें क्या करना है, फिलअप करना है और इसके बेसिस पे हमें ग्राफ बनाना है। ओके, सो यहाँ पे x का वैल्यू 3 दिया है तो हम लोग इसमें पुट अप करेंगे, so y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0। सेम यहाँ पे हमें क्या करना है, y का वैल्यू पुट अप करना है, so हमें x का वैल्यू -2 मिलेगा। यहाँ पे हम जब y का वैल्यू 3 पुट अप करेंगे तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना दिया है टेबल। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 दिया है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसके लिए भी हमें कहीं पे y का वैल्यू दिया है, कहीं पे x का वैल्यू दिया है, कहीं पे सब दिया है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखना है तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 रखेंगे, सो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -5। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे टेबल मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्या है, हमारा ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना दिया है, फिर भी आपको मैं समझाऊंगा कि ये ग्राफ कैसे बना। ओके, सो फर्स्ट क्या कोऑर्डिनेट था आपका, 3,0। सो आप देखेंगे यहाँ पे 3,0 कहाँ पे है, सो देखो ये, क्योंकि y का वैल्यू 0 है तो ये किस पे बनेगा, सिर्फ x एक्सिस पे। सो ये आपका क्या हो गया, 3,0 वाला पॉइंट। ओके, सिमिलरली दूसरा वाला क्या है, -2 एंड 5। सो यहाँ पे आपका -2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, सो आपका क्या हो गया, ये -2,5। सिमिलरली थर्ड वाला क्या है आपका, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 3 है, सो ये किस पे बनेगा आपका, y एक्सिस पे। सो यहाँ पे हम एक स्केल लेके ये पॉइंट से, तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ड्रॉ किया है, उसको इक्वेशन का नाम दे दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अभी सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए जाएंगे। सेकेंड वाले इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट क्या था, फर्स्ट वाला आपका 4,0, मींस वाई का वैल्यू, वाई का जो पॉइंट है वो 0 है, सो ये किस पे बनेगा आपका, एक्स एक्सिस पे, सो 4,0। सिमिलरली सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -5, सो -1 कहाँ पे आपका, एक्स वाला -1 है और 5 वाला -5 y वाला, तो आपका ये हो गया कोऑर्डिनेट। सेम आपका थर्ड वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -4, सो आपका 0 -4। ओके, सो मींस x कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो y वाला कोऑर्डिनेट -4 है, तो ये किस पे बनेगा, y एक्सिस पे। सो यहां से भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन 2। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। सो हमें इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। तो मैंने ऑलरेडी ये फिलअप कर दिया है, तो मैंने कैसे फिलअप किया है और कैसे वैल्यू फाइंड आउट किया है x एंड y कोऑर्डिनेट का, वो हम चेक करेंगे अभी। सो आपका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे। सो पुट अप कर दिया मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 -0, सो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 6। अभी हम क्या करेंगे, सो हमारा जो कोऑर्डिनेट मिला गया 0,6। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 6 पुट अप करेंगे, सो 6 पुट अप कर दो आप, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6,
y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, सो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0। ओके सेम हम थर्ड के लिए जाएंगे, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट अप करेंगे, सो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, 4। सो 2 पुट अप किया, यहाँ पे जाएगा लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 4। तो ये आपको क्या हो गया, x कॉमा y इज इक्वल टू 4। सो आपका एक टेबल रेडी हो गया, अभी हम लोग सेकेंड टेबल रेडी करेंगे। ओके सो ऑलरेडी मैंने इसके लिए भी टेबल बना दिया है, फिर भी हम देखेंगे कि कहाँ से आया और कैसे आया। ओके सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने x लिया था, ओके तीनों जगह पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे y लेंगे, मैंने y का वैल्यू 0 पुट अप किया है, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, सो यहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 1 रखेंगे, सो यहाँ पे क्या होगा x, सो जहाँ पे y मैंने वहां पे 1 रखा, तो ये माइनस में उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में, सो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का वैल्यू माइनस 4 रखेंगे, सो माइनस 4 रखे, ओके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे, ओके सो नेक्स्ट टाइम दो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0। सो हमने दोनों टेबल ड्रॉ कर लिया है, अभी हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके सो ऑलरेडी मैंने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ ये ड्रॉ हुआ है, सो हम क्या करेंगे, अभी आपको मैं समझाऊंगा कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ। सो पहला हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या था, 0, 6, सो यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो ये आपका जो y का कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है, तो ये किस पे बनेगा आपका, तो ये y एक्सिस पे बनेगा, तो ये आपका कितना हो गया, पहला कोऑर्डिनेट 0, 6। ओके मैं टेबल से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके सेकेंड क्या है आपका, 6, 0, सो ये आपका 6, 0 वाला कोऑर्डिनेट है, सो यहाँ पे हम लोग इसको दे देंगे 6, 0। ओके सेम अभी हमें क्या करना है, थर्ड वाला कोऑर्डिनेट देखना है, तो कितना है, 2, 4, मींस एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है, वाई का कितना है, 4 है, सो ये आपका 2, 4। ओके सो ये आपका बन गया, तो आपका अभी हमें क्या करना है, इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या हो, तीनों पॉइंट से होकर जाए, तो हमने लाइन ड्रॉ किया है ऑलरेडी, उसको क्या कर दिया, इक्वेशन का नाम दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका कितना था, 4, 0, सो ऑलरेडी हमने इसको बना लिया इधर, सो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, x का कितना है, 4 है, सो आपका क्या हो गया, 4, 0। ओके सो ये आपका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट बन गया। सेकेंड आपका क्या है, 5, 1, सो 5 मींस आपका x एक्सिस 5 है, y एक्सिस 1 है, सो यहाँ पे देखो ये जो कोऑर्डिनेट है 5, 1 वाला, सो यहाँ पे है, और थर्ड वाला क्या है आपका, 0, -4, मींस x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है, सो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो हम क्या करेंगे, इससे तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सो ऑलरेडी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है स्केल का यूज करके, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन मीन्स ये दोनों लाइन इंटरसेप्ट करेंगी, वहां से हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो यहाँ देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया, सो इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट कितना है आपका, 5 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इज 5, 1, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा आपका, 5, और y का वैल्यू क्या आएगा, 1। ओके
स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करेंगे। ओके सो क्या दिया है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। सबसे पहले हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। ओके सो x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन देंगे। तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी टेबल ड्रॉ कर लिया है। ओके सो आपका टेबल रेडी है, तो अभी देखेंगे वैल्यू कैसे आ रहा है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका फाइव है। ओके सो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले x का वैल्यू जीरो रखेंगे। हमने टेबल में हमने x का वैल्यू क्या रख दिया, जीरो। सो जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, फाइव। सो y इज इक्वल टू फाइव माइनस जीरो हो जाएगा, तो आपको y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, फाइव। देयरफॉर x कॉमा y क्या मिलेगा आपको, जीरो कॉमा फाइव। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, विद सेकेंड वैल्यू ले जाएंगे। ओके सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, फाइव रख रहे हैं। तो फाइव प्लस y इज इक्वल टू फाइव, सो y इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव। ओके सो y का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, जीरो। ओके सो हमने फाइव रखा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू हमें जीरो मिला। देयरफॉर x कॉमा y कितना मिलेगा, फाइव कॉमा जीरो। ओके सेम अभी हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव है, सो x का वैल्यू क्या रख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग टू रख रहे हैं। ओके सो तो टू प्लस वाई इज इक्वल टू आपका फाइव हो जा रहा है, तो y इज इक्वल टू फाइव माइनस टू कर दें, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, थ्री। ओके सभी हम लोग क्या करेंगे, सेम इक्वेशन नंबर टू ले जाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू दे दिया है, तो इसके लिए भी मैंने क्या किया है, टेबल ऑलरेडी ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका वैल्यू हमने कैसे निकाला। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सबके लिए x कंसिडर किया था, यहाँ पे मैं सबके लिए y कंसिडर कर रहा हूँ। मीन्स y का वैल्यू जीरो रख रहा हूँ सबसे पहले, तो जहाँ पे y है वहाँ पे जीरो पुटअप कर दो, तो x माइनस जीरो इज इक्वल टू थ्री। सो x इज इक्वल टू थ्री माइनस जीरो मिल जाएगा, x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, थ्री। ओके सो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, थ्री। सेम भी हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू माइनस थ्री रखा मैंने, सो रख दो आप, तो x माइनस माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो अभी ये इधर प्लस में उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। सो x इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री, सो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, जीरो। ओके सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अभी y का वैल्यू टू पुटअप किया मैंने, तो y का वैल्यू टू रख दिया, तो जहाँ पे y है वहाँ पे टू रख दो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर माइनस में उधर में जाएगा तो क्या होगा, प्लस। सो x इज इक्वल टू थ्री प्लस टू हो जाएगा आपका, सो x इज इक्वल टू फाइव मिल गया। सो हमें मालूम पड़ेगा कि ये टेबल कैसे ड्रा हुआ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे, दोनों टेबल के बेसिस पे क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके सो स्टूडेंट ऑलरेडी हमने टेबल ड्रा कर दिया दोनों, अब हम टेबल के बेसिस पे ग्राफ ड्रा करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी ड्रा कर दिया। फिर मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ कैसे आया। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, 0.5। सो 0.5 मींस x एक्सिस आपका 0 है और y एक्सिस क्या है, 5 है। सो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया 0.5। सेम सेकेंड वन क्या है आपका, 5.0 मींस x एक्सिस आपका 5 है और y एक्सिस 0 है, उनका ये पॉइंट हो गया। सो 5.0। सिमिलरली आपका थर्ड पॉइंट क्या है, 2.3 मींस आपका ये देखो, सो यहाँ पे x एक्सिस 2 है और y एक्सिस 3 है, सो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। सो स्केल का यूज करके लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, उसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। सेम हम सेकेंड लाइन ले जाएंगे, सो उसमें फर्स्ट वन क्या है आपका, 3.0 मीन्स x एक्सिस आपका 3 है और y एक्सिस क्या है, 0। सो ये आपका क्या हो गया, 3.0। सेम सेकेंड वन क्या है, 0.-3 मीन्स यहाँ पे आपका x एक्सिस 0 है, y एक्सिस माइनस 3 है, सो ये आपका 0.-3 हो गया। सेम हम थर्ड पॉइंट ले जाएंगे, थर्ड पॉइंट क्या है आपका,
5.2, यहाँ पे आपका x एक्सिस क्या है, 5 है, y एक्सिस क्या है, 2 है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया x एक्सिस 5, y एक्सिस 2। सो हमने तीनों पॉइंट देख लिए। सो स्केल का यूज करके हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो स्केल से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो कॉमन पॉइंट क्या है दोनों का, तो आप देखोगे सो ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो वहां से x एक्सिस पे क्या है आपका, 4 है, और कॉमा y का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका 4.1। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है। सो अभी इसके लिए ऑलरेडी मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है। सो हम लोग इसका वैल्यू चेक करेंगे। ओके, सो ये वैल्यू कैसे आ रहा है इसको हम लोग अभी चेक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है आपका। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 3 पुट अप कर रहे हैं। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, 0। सो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, माइनस 2। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू 3 पुट किया तो y का वैल्यू क्या मिला, माइनस 3। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है आपका इक्वेशन, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, 1 पुट अप कर रहे हैं। सो 1 पुट अप कर दो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 1। सो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, माइनस 1। सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 2 है, सो पुट x इज इक्वल टू 2, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है आपको, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा। ओके, सो इधर माइनस 2। ओके, सेम हमें क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 के लिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है आपका इक्वेशन नंबर 2 है। सो ऑलरेडी मैंने उसके लिए टेबल ड्रॉ कर दिया है। ओके, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2x को उस साइड लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं। ओके, सो जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 पुट अप कर दो, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 3, सो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6। ओके, सो माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 3 है, सो वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, सेम हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 0। सो यहाँ पे 0, सो पुट अप करो, यहाँ पे x है वहां पे 0 रख दो आप, यहाँ पे 0 रख दिया। ओके, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो 2 इंटू 0 क्या होगा, 0, तो 9 माइनस 0, सो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू माइनस 9। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, सो पुट अप कर दिया यहाँ पे, तो सेम माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 9 माइनस 2 कितना होगा, 7, तो ये माइनस साइन यहाँ पे चलाएगा राइट हैंड साइड, तो y इज इक्वल टू माइनस। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑलरेडी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ओके, सो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंटर से। ओके, सो ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेट टेबल में आपको दिखा दिया, ये हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या था, 3 कॉमा माइनस 3। सो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 कॉमा माइनस 3। तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 3 कॉमा माइनस 3। ऑलरेडी यहाँ पे
लिखा हुआ है, सेम आपका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -1, 1, -1। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे ये 1, -1 ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, 1, -1। ओके ओके ऑलरेडी ये बन गया आपका। थर्ड क्या है आपका, 2, -2, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये बगल में ही उसके 2, -2। ओके सो आपका तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों पॉइंट हमने बना लिए। तभी इसके पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 0। इसको एक लाइन को क्या कर दिया, इक्वेशन दे दिया। फिर हम लोग सेम क्या करेंगे, सेकेंड वाले के लिए ट्राई करेंगे। सो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, सेम 3, -3। ओके सो फर्स्ट इक्वेशन में भी 3, -3 था, तो यहाँ पे देखो एक कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के लिए। ओके सेम दूसरा क्या है आपका, 0, -9, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का कोऑर्डिनेट -9 है, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया। ओके थर्ड क्या है आपका, 1, -7, तो ये देखो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है और वाई का कोऑर्डिनेट -7 है, तो ये आपका थर्ड वन हो गया। यहाँ पे आपका ये 0, -9 हो जाएगा। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1, -7। तो अभी आपको देखना है कि दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो ऑलरेडी हमने दोनों का एक पॉइंट कॉमन पॉइंट था 3, -3, मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से दैट टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट दिस टू पॉइंट 3, दिस पॉइंट। ओके 3, -3, सो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3, और y का वैल्यू क्या मिलेगा, -3। ओके ओके सो ऑलरेडी हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4, 3x - y = 2, 2x - y = 3। सो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके सो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ऑलरेडी मैंने इसके लिए टेबल ड्रॉ कर दिया है। सो 3x - y = आपका 2 है, सो अभी y को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। सो अभी क्या करेंगे, y का वैल्यू -2 रख दें। ओके सो -2 रख दो आप, तो -2 रखोगे तो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका, माइनस, तो 2 - 2 कितना होगा, 0। सो 3x = 0 हो जाएगा, तो x = 0/3 करोगे तो क्या आएगा आपको, 0 आ जाएगा। सेम अभी क्या करना है आपको, सेम इक्वेशन लिखना है, सेम y का वैल्यू 1 पुट अप कर दो, तो जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रखोगे तो 2 + 1 हो जाएगा। सो 3x = आपको 3 मिल जाएगा, तो x = 3/3, सो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 1। ओके तो सेम अभी y का वैल्यू क्या रखना है, 4। सो 3x = 2 + 4 हो जाएगा, सो 3x = 2 + 4 = 6, x = 6/3, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2। ओके तो आपको मालूम पड़ गया टेबल मैंने कैसे ड्रॉ किया और वैल्यू कैसे पुटअप करके टेबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके सेम अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 लेना है, 2x - y = 3 है, तो इसके लिए भी मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू एक एक करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। सो 2x - y = 3 है, सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, y को उस साइड लेके जा रहे हैं, तो 2x = 3 + y हो जा रहा है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 3 - 3 रख रहे हैं। ओके सो 2x = 3 - 3 दैट इज 0, 2x = आपका 0 हो जा रहा है, सो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0। सेम अभी हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू -1 रख रहे हैं। ओके तो 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 2, तो 2x = 2, सो x = 2/2,
x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1। सेम अभी क्या करना है आपको, y का वैल्यू 1 रखना है, तो 1 रखो, सो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, सो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2। तो इसके बेसिस पे अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे, ओके। सो हम लोग टेबल के बेसिस पे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, सो हम लोग इसका एक एक पॉइंट देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, 0, -2। सो आपका 0, -2 यहाँ पे है, सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड क्या है, 1, 1 है, सो ये आपका एक 1, 1 हो गया। थर्ड वन क्या है, 2, 4 है, सो ये आपका x का कोऑर्डिनेट 2 है, y का कोऑर्डिनेट 4 है, सो ये आपका 2, 4 हो गया। इसको हम लोग ने स्केल का यूज करके लाइन ड्रॉ किया है और इक्वेशन का नाम दे दिया 3x - y = 2। ओके, सेम हम क्या करेंगे, सेकेंड के लिए जाएंगे। सो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -3, सो ये आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, सेम सेकेंड वन क्या है आपका, 1, -1, सो ये आपका 1, -1 हो गया। और आपका थर्ड वन क्या है, 2, 1 है, सो ये आपका 2, 1 हो गया। तो हमने स्केल का यूज करके लाइन ड्रॉ किया है और उसको इक्वेशन का नाम दे दिया 2x - y। सो देखेंगे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। वहीं से हम क्या करेंगे, x का और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, x = -1। ओके, एंड y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y का वैल्यू -5 मिलेगा। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो बचे हुए क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।